आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईपीएफ और वेतन न मिलने पर विद्युत संविदा कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनका वेतन ईपीएफ खाते में नहीं आता तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। विद्युत संविदा के मध्यांचल मंत्री अशोक पाल ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी नहीं सुनता है तो खिरनी बाग चौराहा पर एकत्रित होकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ फिर भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हमारी विद्युत संविदा मजदूर संगठन के हमारे प्रदेश के कार्यवाहक कल पुनीत राय जी आए थे, जिन्होंने अधीक्षण अभियंता से वार्ता की, लेकिन अधीक्षण अभियंता ने किसी भी बात का सटीक जवाब नहीं दिया। और रणनीति की ऐसी बात है कि रणनीति के लिए हमारे पास अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन का भी हमें समर्थन प्राप्त हो गया है आज। और अगर और शासकीय अभियंता महोदय ने कहा है कि 2-3 दिन में संविदा कर्मचारियों की समस्या का हल निकल आएगा, अगर 2-3 दिन में हमारी समस्या का हल नहीं निकलता है तो हमारा संगठन प्लस हमें कम से कम आज की डेट में 6-7 प्रदेश लेवल पर और जिला लेवल के संगठनों ने सहयोग दिया है, विभागीय संगठनों ने सहयोग दिया है। सभी लोगों को साथ में लेकर हम अपना कार्यक्रम खिन्नी बाग में करने के लिए मजबूर होंगे या करेंगे, जिसमें हमारी मांग प्राथमिकता के आधार पर जो लोकल के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो स्टेट लेवल के जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे। और उस सहयोग में हो सकता है कि हमें रोड जाम करना पड़े या कोई और कदम उठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़े, क्योंकि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, इस कारण संविदा कर्मचारी वेतन को लेकर सैलरी को लेकर परेशान है। पूर्व में श्रीकांत शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने पोर्टल बनवाया था, पोर्टल पर हर संविदा कर्मचारी जो बिजली विभाग में कार्यरत है उसको अपलोड किया गया। उसका मतलब ये था कि विभाग के जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, एक्शन लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस पोर्टल को 3 महीने में 4 महीने में 2 महीने में कम से कम चेक करते तो उन्हें ये पता चलता कि कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उसका ईपीएफ कट रहा है या नहीं कट रहा है। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही आज 10 से 11 महीने का ईपीएफ बकाया हो गया है, 3 से 4 महीने का वेतन बकाया हो गया है। और होली के त्यौहार में हमारा संविदा कर्मचारी इतना ज़्यादा परेशान है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई, यहाँ तक कि कई परिवारों में तो बच्चे स्कूल इम्तहान देने तक नहीं जा पा रहे हैं और पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है।